आज का जो टॉपिक है बेसिक केमिस्ट्री में हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम उसको याद कर सकते हैं, उसकी ट्रिक्स आज हम जानेंगे। उसके लिए हम लेते हैं, पहले एक बात समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले परमाणु के बारे में समझ लेते हैं कि परमाणु क्या होता है, या फिर परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में कौन कौन से फंडामेंटल पार्ट होते हैं वो देखते हैं। जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, नाभिक। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो प्रोटॉन होता है वो धनावेश होता है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ये धनावेश प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। और इस नाभिक के चारों ओर कई कोश होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं, जैसे ये एक नंबर, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, ऐसे, क्योंकि हमने सात आवर्त बनाए थे उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें जो सेल होते हैं वो आगे फर्दर, जैसे एक सूर्य है उसके चारों ओर ब्रैकेट से चक्कर लगाते हैं, उसी तरह इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन। इन सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस नाभिक के चारों जो चक्कर लगाते हैं। तो अब हम इसमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। जैसे ये है, ये पहला शेल है, पहला कोश है, तो पहले कोश को जैसे ये डिनोट होते हैं n बराबर 1, 2, 3, 4। जो फर्स्ट होता है उसे कहा जाता है ए, इसे एल, इसे एम और इसे एन, ठीक है जी। इस तरह से अब इस शेल के अंदर ही सब शेल होते हैं। इस शेल के अंदर हम देखते हैं सब से उपकोष होते हैं, और ये उपकोष जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। देखा हमने कि नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं जो कि धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होते हैं इस नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, और ये चक्कर किस में लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और ये कक्षाएं हम 1, 2, 3, 4 से डिनोट करते हैं, जैसे के, एल, एम, एन से आगे हम दिखाते हैं। और इस सेल के अंदर ही फिर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एक बड़ा घर हो गया, उस घर के अंदर फिर फर्दर कमरे हैं, तो उस तरह से इस सेल के अंदर भी सब सेल होते हैं। तो हम इसे देखते हैं आगे। तो हमने देखा कि कितने प्रकार के सब सेल है, चार प्रकार के सब सेल है, एस, पी, डी और एफ। ये जो एस सब सेल होता है उसके अंदर एक खाना होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर, सब सेल के अंदर आप ऑर्बिटल्स होते हैं। इस पी के अंदर तीन होते हैं और इस डी के अंदर पांच होते हैं और इस एफ के अंदर सात खाने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और इस एक खाने में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो पी है इसके पास कितने खाने हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, तीन, और एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दो, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, छह इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये डी, डी के अंदर कितने खाने हैं, पांच, तो पांच खानों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, दस। इसमें कितने खाने हैं जी, सात, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, चौदह। तो इस तरह से हमने देखा, इसमें दो, इसमें छः, इसमें दस और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहे तो दो के साथ प्लस चार करना है, छः के साथ फिर प्लस चार करना है और दस के साथ फिर प्लस चार करना है। प्लस चार करने से हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं। दो है उसमें प्लस चार ऐड होगा तो छः बनेगा, और छः में प्लस चार करेंगे तो दस होएगा, और दस में प्लस चार करेंगे तो चौदह होगा। इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से हम आगे इसको भरने की ट्रिक्स देखते हैं कि इसमें विन्यास कैसे हम भर सकते हैं। और इसके लिए हमें एक चीज को करनी है, हमने कितने आवर्त बनाए, हमने सात आवर्त बनाए,
उसी तरह से हम सात बारह से लिख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। हम इस एक को एक बार लिखते हैं, दो को फिर दो बार, तीन को तीन बार, चार को हम लिखेंगे चार बार, और फर्दर पांच को भी हम चार बार लिखेंगे, छह को हम चार बार लिखेंगे, सात को हम चार बार लिखेंगे। यहाँ एस एस एस, यहाँ लिखेंगे पी, यहाँ लगाएंगे हम बी, यहाँ लगाएंगे हम एफ। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो टू एस और टू पी और थ्री एस है उसके समांतर एक लाइन खींचे, ऐसे लाइन खींचे, इसके समांतर एक लाइन खींचे, इसके समांतर एक लाइन खींचे, इस तरह से प्रोग्राम लाइन खींचे। इस तरह से हमने ये लाइन खींची, तो वन एस से कहा जाएगा, ऐसे लाइन खींचेगी फिर वन एस से टू एस, फिर टू एस से कहा जाएगा टू पी, टू पी से कहा जाएगा ये थ्री पी, यानी वन एस से जा रहा है टू एस में, टू एस से जा रहा है टू पी में, टू पी से जा रहा है थ्री पी में, थ्री पी से जा रहा है फोर एस में, फोर एस से जा रहा है फिर ये थ्री डी में, फिर फोर पी में, फिर फाइव एस में। इस तरह से हम देखते हैं कि हम इनके ऊर्जा के क्रम में भरते हैं, तो पहले हम भरेंगे वन एस, वन एस से जा रहा है जी टू एस, टू एस से फिर टू पी, टू पी से जा रहा है जी फिर थ्री एस, थ्री एस से फिर थ्री पी, थ्री पी के बाद देखिए आप फोर एस में जा रहे, फोर एस, फोर एस के बाद थ्री डी, ऐसे कर फोर पी, फिर फाइव एस, देन 4D। इस तरह से हम ऊर्जा के स्तर देंगे, कैसे करेंगे जी, पहले 1s, 1s से तीर देखो 2s पे आया, फिर ये तीर कहाँ गया 2p पे, 2p से फिर 3s में, 3s से फिर देखते हैं 3p में, फिर 4s, 4s से फिर ऐसे जाओ जी 3d, 4d, 5s, फिर यहाँ से चलेंगे तो 4d भरेंगे, फिर 5d भरेंगे, फिर 6s करेंगे। इस तरह से हम इन ऊर्जा स्तर को भरेंगे। तो हम अब एक से लेकर 20 तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है प्रमाण क्रमांक के, उनको देख लेते हैं कि कैसे उसे हम बनाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक नंबर जिसका प्रमाण क्रमांक है वो है हाइड्रोजन, दो नंबर वाला हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियम। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं। तो देखो जी, पहले हमें क्या करना है, 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, परंतु जिसका जितना प्रमाण क्रमांक है हमें उतने ही भरने हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, परंतु हम यहाँ उदासीन अणु ले रहे हैं, हम यहाँ उदासीन अणु ले रहे हैं, तो जिसका जितना प्रमाण क्रमांक है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एक दूसरे को उदासीन कर रखा है। इसलिए मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए बता रही हूँ कि जब कोई उदासीन अणु है तो उसका जितना प्रमाण क्रमांक है उतने इलेक्ट्रॉन में फिल कर रहे हैं। अगर हम आयंस की बात नहीं कर रहे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1s1, पर ऐसे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, दो, पर हमारे पास एक है तो हम एक ही लेंगे, यहाँ हमारे पास कितने हो जी दो, तो दोनों के दोनों एस में भरेंगे, फिर दो यहाँ भर गए, एस कंप्लीट हो गया, एस कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे टू एस में, टू एस में हमारे पास रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक, क्योंकि हमारे को टोटल तीन भरने, दो हमने यहाँ फिर कर दिए एक। इसी तरह से नेक्स्ट बेरिलियम में 1s2 और जो एक रह गया इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने 1s की कंप्लीट कर लिया, 2s की कंप्लीट किया।
अब जो नेक्स्ट फर्दर इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा, 2p1, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से जब तक कि p कम्प्लीटली घुस जाता इलेक्ट्रॉन भरते रहते, इन सब के विन्यास इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह से हमने 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक के जो थे देख लिए, जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से लेकर न्यूट्रॉन तक उनके देख लिए। परंतु इसमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब ई में कोई इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, परंतु इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो अब पेयर करेगा। ऐसे नहीं कि आप स्टार्टिंग में 3 है तो उसको ऐसे कर दो, ऐसा नहीं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन फर्दर इसकी पेयरिंग करेंगे। ये एक नियम है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले एक खाने में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 10 तक जो एलिमेंट थे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं 11 से लेकर 20 तक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। हमने इलेक्ट्रॉन दिए 1s2 2s2 2p6, यानी नियो तक भरे हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s भर गया, 2s भर गया, 2p भर गया, अब कहाँ जाएगा, 3s। तो ये आएगा जी 3s1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हमने नियोन तक 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो आप नियोन लिख के 3s1 भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। परंतु अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 और फिर ये 3s2। तो हमने 1s भी भर लिया, 2s भी भर लिया, 2p भी भर लिया, 3s भी भर लिया। अब हम जाएंगे 3p। 1s2 2s2 2p6 3s2 then 3p, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि p कंप्लीट नहीं होगा। इसका 3p2 हो जाएगा जी, इसका 3p3 हो जाएगा, इसका 3p4 हो जाएगा, इसका 3p5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी 3p6, और ये सारा का सारा बनेगा। फिर जब हम क्या इसकी पोटेशियम की बात करेंगे तो 3p कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा जी 4s, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and then 4s। और जो नेक्स्ट कैल्शियम का है वो जाएगा जी 4s2। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में देखा। नेक्स्ट हम बी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो 3d सीरीज है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं वो देखेंगे, क्योंकि उसमें 2-3 एक्सेप्शन है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, इसमें कोई अपवाद नहीं था, परंतु उसमें कॉपर और क्रोमियम है जो अपवाद रखते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो वो फर्दर स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।